अब भगवान शिव जी के बुल वाहन नंदी स्थापित होंगे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर के लोकसभा स्पीकर के आसन पर संगोल के रूप में। संगोल 5 फीट लंबा सोने का पानी चढ़ा वो पवित्र स्कैप्टर है जिस पर भगवान शिव जी के वाहन नंदी बने हुए हैं। अब उसकी स्थापना होगी नए संसद भवन में, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। शिवजी के नंदी का यह संगोल वो पवित्र स्कैप्टर है जिसे जवाहरलाल नेहरू को देकर हिंदुस्तान की सत्ता का हस्तांतरण किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को। लगभग 1100 साल पहले दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर चोल राजवंश, जिन्होंने 800 साल तक हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से पर राज किया, उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के लिए संगोल को देने की प्रथा शुरू की थी। इस संगोल को आने वाले राजा को दिया जाता था ताकि वह अपना प्रभुत्व कायम रख सके। दुर्भाग्यवश आजादी के तुरंत बाद इस संगोल को पिछले 75 सालों में बिल्कुल भुला दिया गया और अब लोकसभा के आसन पर इसे स्थापित कर मोदी सरकार चोल राजाओं की 1100 साल पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा, इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है, इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा इस सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज़्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है।